नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल संभ्याल और आप देख रहे हैं हिम कवर टीवी। हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के जल शक्ति उपमंडल शाहपुर का एक ऐसा गांव जो कि आज 21वीं शताब्दी में भी पीने के पानी को तरस रहा। लोगों को 1 किलोमीटर पैदल चलकर सिर पर उठाकर लाना पड़ता है पीने का पानी। विवाह शादियों तथा अन्य दूसरे समारोहों में घोड़े तथा खच्चरों पर ढोना पड़ता है पीने का पानी। अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोली नामक खड्ड से आधा किलोमीटर दूर जाकर लाना पड़ता है पानी। अनेकों बार विभागीय अधिकारियों तथा शाहपुर हलके की विधायिका से समस्या को हल करने की लगा चुके हैं गुहार। 1100 के माध्यम से भी पिछले एक वर्ष से उठाई है समस्या, परंतु विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी समस्या को हल करने की बजाय शिकायत को वापस करने की बनाते हैं दबाव। जैसा कि बताते चलें कि जल शक्ति उपमंडल शाहपुर की ग्राम पंचायत बनाला का कमलाड़ी गांव, जहां पर कि अनुसूचित जाति का एक ऐसा समुदाय है जिसके कि लगभग 14-15 परिवार रहते हैं, जो कि जल शक्ति विभाग की अनदेखी, जल शक्ति विभाग की लापरवाही के शिकार की भेंट चढ़ा हुआ है। कमलाड़ी गांव के खांपूराम, अमर सिंह, पूर्ण, राजेंद्र, नीलूराम, स्वर्णा देवी, चुन्नीलाल, अनुपमा इत्यादि ने हिम खबर टीवी के साथ अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि हम पिछले 20 वर्षों से लेकर आज तक पीने के पानी की सुविधा से वंचित हैं। इन व्यक्तियों के आरोपों को देखते हुए बता दें कि हिमाचल सरकार के वे सारे दावे खोखले नजर दिखते हुए प्रतीत होते हैं। वे सारे दावे सफेद हाथी हैं, जिसका कि हिमाचल सरकार के बड़े बड़े मंत्री, हिमाचल सरकार के विधायक, हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री हर मंच पर विकास के दावों का जो है वो जिक्र करती है। बता दें कि कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बता दें कि इस समुदाय का यह 15-20 परिवार आजकल सर्दियों में सुबह 6 बजे उठकर कड़ाके की ठंड में अपने घरों से 1 किलोमीटर दूर गोरड़ा नामक स्थान, जहां पर कि जल शक्ति विभाग उपमंडल शाहपुर का जो है बोरवेल का कनेक्शन लगा हुआ है, और यह समुदाय के इस समुदाय के यह लोग जो सुबह उस बोरवेल के कनेक्शन से 1 किलोमीटर दूर से जो है वो पीने का पानी जो है वो ले जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति मंत्री, हिमाचल सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरबीन चौधरी, जो कि इस शाहपुर हलके की वर्तमान में विधायिका भी हैं, मंत्री भी हैं, और कई बार जो है वो सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, इन लोगों ने जो है वो मंत्री महोदया से, जल शक्ति मंत्री से तथा मुख्यमंत्री महोदय से जो है वो गुहार लगाई है कि हमारी इस समस्या का जो है वो जल्द से जल्द जो हमें जो है वो इस समस्या से निजात दिलाई जाए। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका नाम जी? मेरा नाम खांपूराम। आपका नाम? अमर सिंह जी। आपका नाम? चुन्नीलाल जी। आपका भाई जी? राम। आपका? राजेंद्र कुमार। आपका? नीलू राम। आपका बेटा क्या नाम है? अनुपमा। आपका नाम जी? सवर्णा देवी। आपका नाम? अच्छा, ये बताओ कि आपकी ग्राम पंचायत कौन सी पड़ती है? बनाला। ग्राम पंचायत बनाला, जो कि विकास खंड रैत के अंतर्गत आती है। अच्छा, क्या समस्या है आपकी जी? समस्या सर, हमें तो लगातार 20 साल से यहाँ पानी नहीं है। बीच में आपके गांव का क्या नाम पड़ता है? कमलाड़ी।
अच्छा कमलाड़ी गांव जो कि ग्राम पंचायत भनारला के अंतर्गत और जिसका कि विकास खंड रैत है, तहसील शाहपुर है। आपकी समस्या ये है कि लगभग पिछले जो वो 15-20 वर्षों से आपके गांव में, कमलाड़ी गांव में लगभग कितने परिवार जो वो यहां गुजर बसर करते हैं? 15 फैमिली सर। 15 परिवारों का यहाँ जो है वो मतलब लगातार जो रहना सहना है। और आपका बोलना ये है कि पिछले 15 वर्षों से जो यहाँ पर आपके गाँव में पानी की सुविधा जो वो नहीं है, तो आपने इसके बारे में कभी विभाग से कोई शिकायत वगैरह या अपनी समस्या का जो समाधान के लिए जो बात की? हम सर कई बार इकट्ठे हुए गए तो हमने लिखित कार्रवाई भी वहां पे दी, तो सर वो बोलते हैं कि अब हो जाएगा काम, हो जाएगा, मगर सर काम तो हो नहीं रहा। किससे आपने बात की थी और कब की थी? एक्शन साहब से। एक्शन साहब से आप मिले? 2019 में अक्टूबर में मिले थे। अक्टूबर 2019 में आप जो यहाँ के जो एक्शन साहब उनके साथ जो आप मिले थे, रूबरू हुए थे, तो उन्होंने क्या बोला था आपको जी? उन्होंने बोला कि सर आपकी समस्या हल हो जाएगी, मगर सर समस्या तो हल नहीं हो रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है। एक्शन के अलावा और आपने किस से बात की? साहब से। कब की थी? 2019 में सर, अक्टूबर में। आपने जो मतलब 1100 के ऊपर जो वो शिकायत की थी, वो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे जी? सर मेरे को एक साल हो गया जी कंटिन्यू 1100 नंबर पे। कई साहब जोगिंदर सर हैं वो भी रिटायरमेंट हो गए, जय साहब अब आगे ऋषभ जय उनके साथ भी चली है, और नाग हो रहे हैं उनके साथ भी चली है। मतलब आपकी जो 1100 के ऊपर जो कंप्लेंट आपने इस समस्या को लेकर जो डाली थी वो भी मतलब पिछले एक वर्ष से जो कंटिन्यू चल रही है, और उस 1100 के ऊपर शिकायत करने के बाद भी जो आपकी समस्या का कोई स्थायी हल जो वो नहीं अभी चल रहा निकला है। और जिस तरीके से आपका कहना है कि ये जो है विभाग जल शक्ति विभाग मंडल शाहपुर उपमंडल शाहपुर के जो कर्मचारी हैं वो उनका कहना है कि आप उस अपनी 1100 वाली जो कंप्लेंट है शिकायत उसको वापिस लो, मतलब बार बार उनका यही बोलना है आपको, ये मतलब बार बार बोला जाता है कि अपनी उस शिकायत को आप वापिस लो, समस्या को हल करने की बजाय जो वो उल्टा आपके ऊपर जो वो मतलब दबाव बनाते हैं, प्रेशर डालते हैं कि अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को जो वो वापिस लो। थैंक यू। अच्छा ऐसा है कि आप जो वो अपनी जो दैनिक जो जरूरतें हैं उसको किस तरीके से जो वो पूरा करते हैं? पेयजल जो आप कहाँ से लाते हैं, कितने दूर आपको जाना पड़ता है, उसमें आपको क्या क्या समस्याएं आती है, कहाँ कहाँ से आप पीने के पानी का जो वो प्रयोग करते हैं? पीने का पानी यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे गोरडा से और आधा किलोमीटर नीचे दरिया से। मतलब पीने के लिए जो आप यहां से गोरड़ा 1 किलोमीटर सुबह जो अब आप वहां पीने के पानी के लिए जो जाते हैं, और वैसे दिन की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां से आधा किलोमीटर नीचे जो दरिया जो पड़ता है, क्या दरिया का नाम क्या, कौन सा दरिया है, खोली दरिया जो उसके लिए वो आप जाते हैं। और अच्छा इसके साथ साथ ऐसा है कि जैसे दूसरे जो फंक्शन विवाह शादियां या दूसरे जो प्रोग्राम रहते हैं उनमें आप किस तरीके से अपने पानी की जरूरत को पूरा करते हैं? वो तो सर घोड़े के ऊपर लाते हैं, घोड़ों के ऊपर जब आप जैसे शादियां वगैरह होगी कोई प्रोग्राम होगा तो घोड़ों के ऊपर लाते हैं लाद के। अच्छा घोड़ों के ऊपर जब आप मतलब लाद के जो वो पानी लाते तब जाके अपनी उन प्रोग्रामों में अपनी जरूरत को जो पूरा करते। अभी आप हिमाचल सरकार माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार तथा जल शक्ति मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? सर कहना तो ये है कि हमें हमारी जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी की जाए जो जरूरत है। ऐसा है कि आपने जो यहाँ के आपके जो स्थानीय जो क्षेत्र है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र उसकी जो MLA साहब हैं, मंत्री हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, उनसे कभी आपने इस समस्या को उठाया था क्या? सर हम कई बार इकट्ठे हो गए मगर नहीं। मंत्री साहब से मिले थे आप? मिले हम। लिखित एप्लीकेशन भी दी, वो भी मंत्री साहब के पास दी थी। कितने समय पहले की बात है ये? 2 साल पहले की बात। अच्छा 2 साल पहले की बात है कि मतलब आप जो अब यहाँ से एक सामूहिक रूप में जो मंत्री साहिबा के पास भी गए थे, परंतु फिर भी आपकी समस्या का जो वो कोई हल स्थाई हल जो अब नहीं निकला। धन्यवाद। तो विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अभी आपकी बात करवा रहे हैं जल शक्ति उपमंडल शाहपुर के सहायक अभियंता श्री अनिल कुमार जी से। तो सर जैसा कि सर उस समुदाय के 15-20 परिवारों का ये आरोप है कि विभाग जो हमारी बात को नज़रअंदाज कर रहा है, कई बार जो हम विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जो अपनी समस्या को मतलब लेकर रूबरू हुए हैं, तो सर उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना कि कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले हमारे पास 15-20 लेडीज़ आई थी कि हमारे वहाँ लाइन नहीं कोई भी, तो हमने उसका एस्टीमेट बना के
उसको भेज दिया, परंतु आचार संहिता के होने के कारण अभी उसको काम चालू शुरू नहीं हो सका है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी बाल लाइन डालकर उनको कनेक्शन कर दिए जाएंगे। सर जैसे दूसरा लोग उन लोगों का ये सर ये आरोप है कि हमारा पिछले एक वर्ष से जो कंटिन्यू 1100 के माध्यम से भी शिकायतें चल रही थी, तो सर यहाँ आपके विभाग के एक संबंधित जो कर्मचारी जो कि मतलब 1100 वाली शिकायतों को डील करते हैं, उन उन कर्मचारी के ऊपर भी उन लोगों का आरोप है कि वो बार बार जो हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि अपनी समस्या को आप अपनी शिकायत को जो आप वापस लो। सर उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे जी? ऐसा है ना कि वो सुपरवाइजर है, वो फील्ड में देखते हैं काम, तो ऐसा है कि किसी के ऊपर कोई शिकायत बनाने का कोई दबाव बनाने का कोई औचित्य तो नहीं है। जब भी फील्ड में कोई भी शिकायत आएगी, ऑनलाइन भी आएगी, तो उसको विभाग जो है मौके पे चेक करके कि वहाँ सॉल्व हो गया नहीं है, उसके बाद ही उसको सॉल्व उसका उसका विवरण देते हैं कि वो सॉल्व हो गई है। तो किसी के ऊपर दबाव बढ़ने का कोई ऐसा कोई कारण, अगर कहीं उन्हीं की कोई किसी उसने सुपरवाइजर ने की होगी बंदे से बात, वैसे किसी भी हम विभाग कभी भी किसी के ऊपर दबाव कंप्लेंट वापस लेने का दबाव नहीं बनाता है जब तक कंप्लेंट जो है सॉल्व ना हो जाए पूरी तरह अच्छी तरह, और जो बंदे जो जिनकी कंप्लेंट है वो सेटिस्फाई ना हो जाए उस कंप्लेंट से, ऐसा है। थैंक यू सर।